कुल्लू में भारी भूस्खलन, आनी बाजार क्षेत्र में इमारतें गिरी, डरावना वीडियो आया सामने। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में गुरुवार सुबह बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कई घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। यह भयावह घटना कैमरे में कैद हो गई है, जबकि नुकसान की सीमा का अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन अभी तक कुछ दिनों पहले इमारतों को कथित तौर पर खाली कराए जाने के बाद से जान माल के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है। विनाशकारी भूस्खलन आनी के एक बाजार क्षेत्र में हुआ, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का एक शहर है, जो जिला मुख्यालय कुल्लू से 76 किलोमीटर दूर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रशासन ने खतरे की पहचान कर ली है और दो दिन पहले व्यावसायिक इमारत को खाली करा लिया है। हालांकि वीडियो में कई घरों को ढहते हुए देखा जा सकता है। जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है, अन्नी शहर में एक बस स्टैंड के पास कम से कम 8 से 9 बड़ी इमारतें ढह गईं। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार गुरुवार के भूस्खलन में ढह गई इमारत कुल्लू के आनी से परेशान करने वाले दृश्य सामने आए हैं, जिसमें विनाशकारी भूस्खलन के बीच एक विशाल व्यावसायिक इमारत ढहती हुई दिखाई दे रही है। उल्लेखनीय है कि प्रशासन ने खतरे की पहचान कर ली थी और दो दिन पहले इमारत को सफलतापूर्वक खाली करा लिया था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में गुरुवार को कई इमारतें ढह गईं। कुल्लू मंडी राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे सड़क पर कई वाहन फंसे हुए हैं। हिमाचल में बारिश से सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर शिमला में पिछले 24 घंटों में 190 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। IMD के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बारिश जारी है। पूरे हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में इस साल कुल 2022 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 9615 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस साल के मानसून सीजन में 113 भूस्खलन हुए हैं। पहाड़ों की रानी शिमला में 100 से अधिक इमारतें ढह गईं, क्योंकि राज्य इतिहास की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। शिमला के प्रसिद्ध समर हिल क्षेत्र में एक प्राचीन शिव मंदिर इस मानसून में बह गया।